सारा और इनका लाजवाब की जो मेकिंग हो रही है मक्खन। सो व्हाट्सअप पीपल, की हाल चाल। तो आज हम पहुंचे हैं कॉलेज रोड, पप्पू पिज़्ज़ा, साउथ इंडियन डोसा यहाँ पर मिलता है। तो अब हम करवाते हैं अपना पनीर मसाला डोसा। सुना है यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले इनकी दुकान चौपाटी पे होती थी, लेकिन अगर अब इन्होंने अपनी दुकान एक ई रिक्शा पर सेटअप किया हुआ है। सेटअप बहुत अच्छा है, आपको दिखा। तो ये इनका है पप्पू पिज़्ज़ा साउथ इंडियन डोसा सेटअप ई रिक्शा कार्ड पर इन्होंने अपनी जो दुकान, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एक अलग थोड़ा सा इन्होंने किया है। अब हम बनवाते हैं पनीर डोसा। तो ये हमारे पनीर डोसे की जो मेकिंग हो रही है, इसमें सर क्या क्या डाला आपने? इसमें पनीर है और थोड़ा सा आलू है। इसमें पनीर और थोड़ा सा आलू, मसाले वाला आलू है, बीच में मटर भी है। इसके बाद टमाटर प्याज फ्राई होगा, उसके बाद ये पड़ेगा। इसके बाद इसमें टमाटर आगे ऊपर हल्के से टमाटर और प्याज। अब इसको भाई ये आगे ऊपर हल्के से टमाटर और प्याज, इसको करेंगे मक्खन में फ्राई, हल्का सा भून के। अरे निक्का जी, एक पानी बोतल भी कटना सामने करेगा। मक्खन ले आओ सर, बार बार मक्खन मांग रहे हैं, जल्दी जल्दी मक्खन डालो, नहीं तो हमारा जो मसाला है ज़्यादा ही पक जाएगा। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा हल्का पकाना है। और ये ऊपर आ गया अमूल मक्खन, फ्रेश मक्खन, फिसल रहा है, कह रहा है कि मैंने नहीं जाना मसाले में। और ये ऊपर आ गई पनीर की मेकिंग, बहुत सारा पनीर। ये आवाज़ सुन रहे हो यार, क्या बात है। और ये जो अरोमा है मक्खन, पनीर, टमाटर और अनियन का, क्या ही बात है। हमारी जो पनीर की मेकिंग हो चुकी है तैयार, लगभग आई थिंक सर तैयार हो गई। हाँ जी, हाँ जी, पनीर की मेकिंग तैयार है। और इसको लेंगे अब बॉल में, और अब थोड़ा सा छिट्टा छुट्टा मार कर। ये है इनका बैटर। ये भाई साहब, ये किस चीज़ का बैटर है? चावल का आटा है। ये है बासमती चावल, आटे के राइस है, और उसको पानी में आई थिंक मिलाते हैं ना, पानी से गूंथते हैं। और ये बन लिए तैयार है हमारे डोसे की। और ये क्या आ गया ऊपर सर? ये है रिफाइंड जी। सर ये ऊपर आ गया थोड़ा सा हल्का सा रिफाइंड, जिससे हमारा डोसा आई थिंक चिपकेगा नहीं। और ऊपर आ गया मक्खन, हमारा जो डोसा है मक्खन में नहा रहा है, इसी का स्वाद है भाई साहब, मक्खन का ही। डोसे का बैटर तैयार, ऊपर आ गया पनीर ढेर सारा। अब इसको अच्छी तरह से राउंड अप करके पूरी जगह पर फैलाकर, गर्म तां हो गया ना ज़्यादा, किया नाल हो तवा, डोसे के बेस के ऊपर अच्छी तरह से पनीर जो है लग चुका है। और क्या गाइस अरोमा। सर हमारा जो डोसा तैयार है, हाँ जी सर। गाइस हमारा जो डोसा तैयार है बनकर, अच्छी तरह से पका हुआ है, ये देखकर ही लगता है। और अब इसकी होगी प्लेटिंग। भैया ने हाँ आज जो जोड़ी थोड़ी हल्की कर दी है, कटिंग दो पीस हुए हमारे डोसे के। देन अब इसकी होगी प्लेटिंग। ये इसकी साउथ इंडियन प्लेट। ये है आई थिंक सांभर, कोकोनट चटनी। ये है कोकोनट चटनी। देन उसके बाद आ गया इनकी टमाटर चटनी। टमाटर चटनी यानी कि इसको इडली सांभर कहते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इडली सांभर अलग होता है। ये है सांभर। ये है सांभर। अच्छा ये चटनी सर, ये कौन सी होती है सब्जी? आलू की? इसमें आलू नहीं होता, इसमें घिया है, पेठा है। अच्छा टमाटर है, बीन्स है। अच्छा उसी से बनती है ना ये। सो गाइस हमारी तैयार है प्लेट बनकर, बहुत ही अच्छी लग रही है, खाकर बताते हैं आपको कैसी है। हमारा पप्पू पिज़्ज़ा साउथ इंडियन डोसा बनकर तैयार है, मसाला डोसा है। और कलर चेक कर सकते हो, ये है कोकोनट चटनी, ये टमाटर की चटनी, और ये इनका आई थिंक जो घी की जो चटनी सब्जी होती है वो है। और यार मुँह में पानी लपा लप बरस रहा है। और इनका लाजवाब
जो डोसा है टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो देन पहली बाइट हम लेते हैं डोसे की। अच्छा यार गाइस, डोसा जो है बहुत ही क्रिस्पी सॉफ्ट है। और देन पहली बाइट हिल ना ज़्यादा, तुम पहले कहता ना जड़ी बाइट लेनी है, बहुत ही थोड़ी क्लोज ग्रिप लेनी है, ठीक है। तो ये आ गया थोड़ी सी चटनी टमाटर की, ये आ गया कोकोनट चटनी, देन उसके ऊपर आ गई थोड़ी सी इनकी घिया की चटनी बीन्स वगैरह डालकर। गाइस क्या ही बात है, पनीर का टेस्ट लाजवाब। डोसा ना थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन अगर गर्मी है कोई नहीं, गर्मी है ठंडा हो गया, लेकिन क्या बात है कि डोसे की फ्लेवर जो है ना डोसे के बिल्कुल मिनिमम है, टेक्सचर बहुत अच्छा है और पनीर का टेस्ट आ रहा है। ज़्यादा मसाले पनीर में जो डाले नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी पनीर का जो टेस्ट है ना लाजवाब है, गजब का टेस्ट है भाई साहब। आई थिंक मैंने इससे अच्छा डोसा यानी कि नहीं खाया कभी। तो ये पप्पू डोसा साउथ इंडियन डोसा है, सो बहुत ही अच्छा है। तो अब हम एक और बाइट लेते हैं। यार हमारे मुंह में ना पानी लपालप बरस रहा है, तो एक और बाइट लेते हैं इस डोसे की। साइड से लेते हैं खाली खाली, जो आई थिंक चावल के आटे के बने होते हैं। सो एक और बाइट है इनके डोसे की। यार मेरे से तो भाई साहब रुका नहीं जा रहा, वीडियो बंद कर दे भाई साहब, हम खा के इनको मिलते हैं, बताते हैं क्या लोकेशन है, कैसा स्वाद है। स्वाद तो आपको बता ही दिया है, और मिलते हैं आपको वीडियो के बाद, खाकर पूरा फिनिश करेंगे। देन पिज़्ज़ा और साउथ इंडियन डोसे का हमने टेस्ट लिया, सो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। अगर आप भी इनके लाजवाब डोसे का टेस्ट यानी कि लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो ज़रूर आए कॉलेज रोड पर, इनकी दुकान जो है ई रिक्शा पर, इनकी दुकान ई रिक्शा पर इन्होंने अपनी दुकान का जो सेटअप किया हुआ है, आप भी ज़रूर आए कॉलेज रोड चौपाटी के सामने इनकी दुकान है। तो डोसा पिज़्ज़ा सांभर वड़ा इडली सैंडविच वगैरह लपलाना टिंकड़ा आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, और हमें बताना कि वीडियो में कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगा, और लाइक करना मत भूलना, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिलेगी। तो देन मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।